अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के मुताबिक शादी समारोह में अब 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति है। वहीं वीकेंड कर्फ्यू सिर्फ नगरीय क्षेत्रों तक सीमित रहेगा। वहीं राज्य में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। राजस्थान गृह विभाग की तरफ से जारी किए गए ये नए आदेश 24 जनवरी से प्रभावी होंगे। बता दें कि शादी समारोह के मामले में सरकार ने थोड़ी राहत दी है, अब 100 लोग शादी में शामिल हो सकेंगे। वहीं बैंड बाजा वादकों को अलग से गिना जाएगा। वहीं पहले सिर्फ 50 लोगों को शामिल होने की इजाजत थी। गृह विभाग की तरफ से जारी की गई नई गाइडलाइन में कहा गया है कि कार्यालयों को स्टाफ और कर्मचारियों के वैक्सीनेशन की जानकारी देनी होगी। 1 फरवरी से संस्थानों को कार्यस्थल पर सूचना चिपकानी होगी। सरकारी आदेश में कहा गया है कि संबंधित संस्थान में अगर जानकारी नहीं दी तो उसके साथ सख्त कार्रवाई होगी। राजस्थान सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना संक्रमण के बीच कोई व्यक्ति अगर बुकिंग को कैंसिल या आगे बढ़ाना चाहता है तो संबंधित होटल को पेमेंट वापस देना होगा। वीकेंड कर्फ्यू शनिवार रात 11:30 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक सिर्फ नगरीय क्षेत्रों में लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी गतिविधियों को ही इजाजत होगी। वहीं नाइट कर्फ्यू पूरे राज्य में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। नई गाइडलाइन के मुताबिक 1 फरवरी तक वैक्सीन ऑफिसों और दुकानों को 1 फरवरी से वैक्सीन की दोनों डोजों की सूचना चस्पा करनी होगी। दोस्तों, देश भर की ऐसी लेटेस्ट खबरें पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।